देखिए, मुस्लिमों को तो हिस्सा मिलना चाहिए राजनीति में, और बिहार में आपने देखा होगा काफ़ी अरसे से कोई मुस्लिम उप मुख्यमंत्री नहीं बना, और इस समय बात भी चल रही है कि जैसे NDA गठबंधन में था दो उप मुख्यमंत्री थे, तो इसको भी लेके बात चल रही है कि दो उप मुख्यमंत्री होने चाहिए जिसमें कि एक मुस्लिम चेहरा को भी जगह मिलनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, चूंकि बिहार की जो पॉलिटिक्स है MY पॉलिटिक्स खासकर है, MY समीकरण है। RJD तो A to Z की बात करती है, A to Z की बात करती है। MY खत्म हो गया, मुस्लिम और यादव के बीच जो वोट बैंक की राजनीति होती थी लालू प्रसाद यादव के जमाने में वो चीजें हुआ करती थी, अब तेजस्वी कह रहे हैं कि हम इसको बदलने का काम कर रहे हैं, यानी A to Z की जो पार्टी है वो RJD है। अब देखिए, मुस्लिम वोट जहां तक है बिहार में वो RJD की शुरू से कोर वोट बैंक रहा, तो इसके लिए उन्हें हिस्सा भी देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया TV और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। बिहार की सियासत जिस तरह से कल शपथ ग्रहण हुआ और उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि क्या मुस्लिम चेहरे को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी भी उसमें कई भूमिका निभाए हैं। अख्तरुल ईमान ने इस शपथ ग्रहण का स्वागत किया है और महागठबंधन की सरकार को बधाई भी दी है। इसी तमाम मुद्दे पर बारीकी से बात करने के लिए आज हमारे साथ युवा पत्रकार और बिहार की सियासत को बारीकी से समझने के लिए हमारे साथ तौहीद आलम मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शुक्रिया सद्दाम। बिहार की जहाँ तक सियासत की बात है, बिहार के नीतीश कुमार ने अभी BJP से गठबंधन तोड़ के राजद के साथ फिर से वापसी की है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं बिहार के विधायक बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बिहार में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स नहीं होने दी, क्योंकि BJP इसके लिए जानी जाती है। आप उदाहरण देख सकते हैं, अभी महाराष्ट्र का ताज़ा उदाहरण हमारे सामने है कि कैसे शिवसेना के साथ पहले गठबंधन की सरकार बनाई, फिर शिवसेना को ही अंदर तोड़ के और कैसे उनके विधायकों को रिजॉर्ट पॉलिटिक्स किया गया, और फिर विधायकों खरीद के शिवसेना का साथ ही आज BJP फिर सरकार बना के वहाँ पे शिवसेना। कुछ लोग ये भी कहते नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार और महागठबंधन एक तरह से साथ हुआ, वैसे ही UP चुनाव में भी होना चाहिए, बसपा सपा को साथ होना चाहिए। ये बसपा और सपा जो है, बसपा की राजनीति जो है, बसपा बहुत पहले से 1995 से ही BJP के साथ गठबंधन में कई बार सरकार बना चुकी है, और ये BJP का चरित्र रहा है कि वो अपने साथ जो आने वाली जो छोटी पार्टियां होती है उनको ख़त्म कर देती है। इसका उदाहरण आप हर जगह देख सकते हैं। इस बार आपने UP चुनाव में भी देखा होगा कि बसपा कैसे बैकफुट पे आ चुकी थी, बसपा ने कहीं से भी फाइट नहीं किया था। तो बसपा के साथ आने ना आने से सपा को तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, उसके नाम पे बसपा को बैकफुट पर लाकर BJP जरूर उसका जो वोट बैंक था उसको अपने तरफ आकर्षित कर रही थी, और उसका फायदा भी BJP को UP चुनाव में मिला था। नहीं तो वो JDU को लेकर भी ये आरोप लग रहा है कि RCP सिंह के मतलब अंदर खाने की जो खबरें आ रही है कि RCP सिंह के बदौलत वो JDU को खत्म करना चाह रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सच्चाई इसलिए भी है क्योंकि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था उस समय नीतीश कुमार ने दो मंत्री पद की मांग की थी, लेकिन BJP ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि एक ही हम अपने सहयोगी पार्टी को एक एक मंत्री देंगे। उसके बाद जब RCP सिंह जब केंद्रीय मंत्री बने तो उसमें नीतीश कुमार की कहा जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि इसमें नीतीश कुमार की सहमति नहीं थी, तो उसके बाद जो था RCP सिंह के थ्रू BJP अंदर खाने विधायकों को तोड़ने में लगी थी, क्योंकि BJP का ये चरित्र है कि वो क्या करती है, पार्टी में पहले अंदर घुसती है क्योंकि उसे लगता है कि हम पार्टी से बाहर रह के उसको तोड़ नहीं पाएंगे, तो वो पार्टी के अंदर घुसती है, और इस RCP सिंह के थ्रू जो थी BJP वो विधायकों को खरीद फरोख्त करने में लगी हुई थी, जिसका आभास नीतीश कुमार को हो गया था। और फिर अभी एक सप्ताह पहले 10 दिन पहले JP नड्डा जो अभी बिहार गए थे उन्होंने जब कहा था कि BJP की ऐसे ही विचारधारा बढ़ती रही तो एक दिन क्षेत्रीय पार्टी खत्म हो जाएगी, तो ये सारी चीज़ें एक तरफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं BJP जो है अपने सहयोगी दलों को अपने साथ मिला के उनको एकदम से खत्म कर देना चाहती है, और फिर वो चाहती है कि तो BJP एकदम से विपक्ष को खत्म करना चाहती है, तो ये चीजें नीतीश कुमार को दिखाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने BJP के साथ गठबंधन तोड़ना उचित समझा। अगर वो समय पर नीतीश कुमार अगर ये कदम नहीं उठाते तो हो सकता था कि बिहार में आपको रिजल्ट पॉलिटिक्स देखने को मिल सकती थी। वहाँ भी इससे पहले अगर हम RJD की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी तो OVC के विधायक को तोड़कर अपने पाले में लाने की तो काम किया ना। हाँ बिल्कुल किया था। उसमें क्या था कि OVC के जो 4 विधायक थे वो आए थे तो उस पर भी काफ़ी घमासान मचा हुआ था। अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि OVC के जो 4 विधायक गए हैं मुस्लिम विधायक उनको भी मंत्रिमंडल में जगह मिली। शाहनवाज आलम में चल रहा है वो इसलिए भी चल रहा है कि उनके जो फादर थे तस्लीमुद्दीन
तस्लीमुद्दीन, वो काफ़ी बिहार के काफ़ी बड़े नाम रहे हैं, उनको सीमांचल का गांधी भी कहा जाता है। और वो उनके भाई सरफराज आलम राजद से भी रह चुके हैं, उनके फादर भी राजद से रह चुके हैं, तो इसलिए उनका कहीं ना कहीं जो वो है पुराना जो प्रेम है वो उमड़ता है, इसलिए भी वो गए। और हो सकता है कि उसको इसका उनको बेनिफिट मिले और उनको मंत्रिमंडल में भी जगह मिल सकता है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि तोड़ने की तो कोशिश की ना आप, जो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और जो आप दर्शा रहे हैं, तो वो भी तो काम आरजेडी ने किया है, इससे भी गुरेज नहीं हो सकते हम। हाँ बिल्कुल, आरजेडी ने किया है, लेकिन इसमें आप ये नहीं कह सकते, इसमें तोड़ने की जहाँ तक बात है तो विधायकों की खरीद फरोख्त की बात सामने नहीं आई, तो इसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि विधायकों ने अपना फायदा देखा होगा कि चूंकि आरजेडी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, तो उन्हें ये लगा होगा, हो सकता है उन्हें पहले इस चीज़ का आभास हो कि जो जदयू और भाजपा की जो सरकार है वो ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली, हो सकता है राजद के राजद सरकार बने, तो ये भी हो सकता है कि उन्हें पहले से इस चीज़ का राजनीति में, चूंकि कोई भी चीज़ अचानक से नहीं होती है, अंदर खाने खिचड़ी पक रही होती है, तो उन्हें इस चीज़ का आभास होगा, इसलिए भी उन्होंने ये सोचा कि अगर हम आरजेडी में जाते हैं तो हम सत्ता में रहकर कुछ और कर सकते हैं। बाकी अब देखते हैं कि वो अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नहीं, क्या इस बात को मान लिया जाए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी के जो चार विधायक गए तब और ज़्यादा आरजेडी को बल मिला, क्या होगा आपका जवाब? कह सकते हैं कि इसका बल मिला, हालांकि उनके आने से कोई बहुत बड़ा फायदा तो नहीं। सबसे बड़ी पार्टी बनी, सर क्या बात कर रहे हैं आप, 75 से 79 सीट तो हुए ना। आरजेडी तो पहले ही बड़ी पार्टी थी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी थी। नहीं, इसके बाद जो चीज़ें निकल के आई बिहार से, उस वक्त तो जेडीयू और एनडीए के बीच जो जो मतलब गठबंधन था उसमें तो बड़ी पार्टी बनके तो बिल्कुल इसका जो विधायक, जो चार विधायक आए हैं उसका तो फायदा उन्हें मिला, उससे मनोबल बढ़ता है। जब किसी के भी, जब विधायकों की संख्या बढ़ती है राजनीतिक पार्टी की, तो उनकी उस तरह से कद भी बढ़ती है, उनका हैसियत भी बढ़ता है, तो वो तोल मोल करने की स्थिति में होते हैं, तो इसका फायदा तो जरूर मिला है तेजस्वी को। एक और चीज़ बहुत वायरल हो रहा है, शाहनवाज आलम का, माफ कीजिएगा, शाहनवाज हुसैन का, उसमें वो कह रहे हैं कि जब मैं एयरपोर्ट पे चढ़ा तो मैं उद्योग मंत्री के तौर पे चढ़ा, और मैं जब लैंड किया पटना तो मैं उद्योग मंत्री था ही नहीं, सरकार बदल गई थी। तो ये चीज़ तो आप राजनीति में आप देख रहे हैं कि सुबह बात चल रही थी, अपने महाराष्ट्र में भी देखा था, महाराष्ट्र में भी देखा था, फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ली, रात में सारे अखबारों में ये छपा था कि शिवसेना की सरकार बनने जा रही है, सुबह पता चला कि बीजेपी की सरकार बन गई। तो ये तो मुख्यमंत्री बदल जाते हैं तो मंत्री, तो ये सब राजनीति में अब ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं रही हो गई, अब तो ये राजनीति में होते रहता है। मुस्लिम चेहरे को लेकर जो है कांग्रेस में भी एक जो है शकील अहमद, उनका भी नाम आ रहा है, और उसके बाद आरजेडी में जो शाहनवाज आलम है उनका नाम सामने आ रहा है, तो आरजेडी नहीं लगता कि मुस्लिमों को भी हिस्सा देने की बात कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिमों को तो हिस्सा मिलना चाहिए राजनीति में, और बिहार में आपने देखा होगा कि काफ़ी अरसे से कोई मुस्लिम उप मुख्यमंत्री नहीं बना, और इस समय बात भी चल रही है कि जैसे एनडीए गठबंधन में था दो उप मुख्यमंत्री थे, तो इसको भी लेके बात चल रही है कि दो उप मुख्यमंत्री होने चाहिए जिसमें कि एक मुस्लिम चेहरा को भी जगह मिलनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, चूंकि बिहार की जो पॉलिटिक्स है MY पॉलिटिक्स खासकर है, MY समीकरण है। नहीं, आरजेडी तो A to Z की बात करती है, A to Z की बात करती है। MY खत्म हो गया, मुस्लिम और यादव के बीच जो वोट बैंक की राजनीति होती थी लालू प्रसाद यादव के जमाने में वो चीज़ें हुआ करती थी, अब तेजस्वी कह रहे हैं कि हम इसको बदलने का काम कर रहे हैं, यानी A to Z की जो पार्टी है वो आरजेडी है अब। देखिए, मुस्लिम वोट जहाँ तक है बिहार में वो आरजेडी की शुरू से कोर वोट बैंक रहा, तो इसके लिए उन्हें हिस्सा भी देना चाहिए, चूंकि बात राजनीतिक हिस्सेदारी की आ रही है, जब तक राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलेगी तो किसी भी दल, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी वोटर का, उसका मतलब मनोबल नहीं बढ़ेगा। अगर ये राजनीतिक हिस्सेदारी मिलती है उनको, अगर उप मुख्यमंत्री का पद एक मिलता है, तो कहीं ना कहीं बिहार के जो मुस्लिम हैं उनका जो निष्ठा है वो आरजेडी के प्रति और बढ़ेगी। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।